दिमित्रीएव्स की सोबोर जो है ये 12th सेंचुरी का ऑर्थोडॉक्स चर्च है। बहुत सारे कपल्स आए, वेडिंग कपल्स, मतलब आज ही इनकी शादी हो चुकी है। बहुत सारे उनके रिश्तेदार आए हैं यहाँ पर। रशियन वेडिंग किस तरह से होती है, किस तरह से उनका सजना सवरना होता है, वो भी देखने मिल गया मुझे। तो मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं व्लादिमीर के एकदम टॉप मोस्ट लोकेशन पे आया हूँ। मेरे 360 डिग्री व्यूज़ पे आप गौर कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। इस तरफ पूरा आउटस्कर्ट्स है, ये मेरे सामने जो है वो व्लादिमीर सिटी है। मैं अभी फ़िलहाल हूँ एग्जैक्ट दिमित्रीएव्स की सोबोर के सामने। दिमित्रीएव्स की सोबोर, सोबोर का मतलब है ऑर्थोडॉक्स चर्च, और यहाँ पर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है एंड इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ये व्लादिमीर सिटी मेरे लिस्ट में रखा और मैंने इसको कवर किया। वातावरण एकदम मस्त है, बढ़िया, और अब मैं थोड़ा बहुत ये क्लाइमेट में एडजस्ट भी हो चुका हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे गौर से देखते रहते हैं कि भाई इसने जैकेट की ज़िप ओपन क्यों रखी है। काफ़ी लोग यहाँ पे ज़िप क्लोज ही रखते हैं, उन लोग को काफ़ी ठंड लगती है, बट मुझे लगता है मेरा बॉडी अभी एक्लिमेटाइज हो गया है। क्या खूबसूरत नज़ारा है दिमित्रीएव्स की सोबोर, जो दिमित्रीएव्स की सोबोर जो है ये 12th सेंचुरी का ऑर्थोडॉक्स चर्च है। दिमित्रीएव्स की सोबोर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ, ये भी ज़ेवोलोड III जो है, जो कि ग्रैंड ड्यूक रह चुके हैं व्लादिमीर, सुजदल और काइव शहर के, एंड ये ग्रैंड ड्यूक रह चुके हैं 1154 से लेकर 1212 तक। मतलब काफ़ी लंबा सफ़र उन्होंने किया है भाई साहब ने, और उन्होंने ही ये कंस्ट्रक्शन किया है 1191 में, सेम एज नेटिविटी मोनेस्ट्री, एंड उसी दौरान ये दिमित्रीएव्स की सोबोर का भी कंस्ट्रक्शन चालू था। इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ 1197 में, एंड बहुत ही खूबसूरत है। अंदर आप फोटोग्राफी अलाउड है बट नॉन कमर्शियल, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता अंदर से कैसा है ये। मैं अंदर विज़िट कर लेता हूँ, मेरे भी कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये जो लोकेशन है अंदर बहुत ही खूबसूरत सा, अभी भी जिस तरह से पेंटिंग्स किए गए हैं वो अब तक वो पेंटिंग्स वैसे के वैसे है।
दोस्तों ये जो चर्च है बेसिकली यहाँ पर मैं जहाँ पर आया हूँ बहुत सारे कपल्स आए हैं, वेडिंग कपल्स, मतलब आज ही इनकी शादी हो चुकी है। बहुत सारे उनके रिश्तेदार आए हैं यहाँ पर, और कम से कम मैंने 6 वेडिंग कपल्स देखे जहाँ पे, मतलब यहाँ पे उन लोग का जो रिवाज है तो वेडिंग जिस तरह से होती है यहाँ पर वो भी देखने मिल गया मुझे। तो रशियन वेडिंग किस तरह से होती है, किस तरह से उनका सजना संवरना होता है वो भी देखने मिल गया मुझे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, मतलब वो लोग इतने प्यारे लग रहे हैं हस्बैंड वाइफ, मतलब इतनी खुशी जो रहती है ना वेडिंग के टाइम पे, वो आज देखने मिल गई इन लोग के, मतलब रशियन वेडिंग में। और गाड़ियों में म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, काफ़ी सारे 1, 2, 3, 4, 5 व्हीकल्स है जो सजाई गई है, तो उन लोग की जो उसमें से विदा लेंगे, यहाँ से विदाई जो रहती है वो देखने मिलेगा। मतलब क्या खूबसूरत है ये, मतलब ये लवर्स पॉइंट है, एक रोमांटिक स्पॉट है, और मैं अकेला आया हूँ। अच्छा लग रहा है बट फिर भी मुझे वो लोग को देखकर अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइज एक अच्छा वाला शॉट यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सिनेमैटिक शॉट, और जिससे आप बहुत बेहद एंजॉय करेंगे और आपको मन भी करेगा कि ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ।